आज मैं आपको वीलुक जो मैंने करवाया था आपको पहले, उसमें कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैं करके बताऊंगा आपको। क्या है कि वीलुकअप स्टेटमेंट जो है बहुत बढ़िया है और पावरफुल स्टेटमेंट है, बड़ी जगह काम आती है, मगर मैंने जो है कुछ स्टेटमेंट ये यहाँ पर यूज़ किया जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। तो यही लॉजिक लेकर के आप जो है इस वीलुक स्टेटमेंट को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें मैंने करनी है, छोटी सी मैंने आपको बतानी है चेंजेस थोड़ी सी। ये कोई ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली नहीं है, आपको स्क्रीन पे मैं बताता हूँ कैसे है क्या नहीं। और बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ वेदपाल और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा चैनल जिसका नाम केन्स इंडस्ट्री है। तो चलो हम अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि ये मैंने जो है जो पहले डाटा था मेरे पास, ये डाटा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये वीडियो इससे पहले वाली जिसने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा, और उनसे पहले वाली भी जो वीडियोज़ हैं उनका भी मैं लिंक दे दूंगा। और आप जो है ज़रूरत पड़े ज़रूर देखना, औरों को भी दिखाएं और छोटे बच्चों को भी दिखाएं। जैसे मान लो ये डाटा है अब मेरे पास, ये डाटा है मेरे पास जैसे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है। इसमें मैंने एक रिसिप्ट बनाई है नीचे यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक मैनुअल वैल्यू पुट करता हूँ, मैनुअल वैल्यू पुट करता हूँ। हो सकता है यहाँ पर जो है वैल्यू मेरे से गलत इनपुट हो जाए, गलत इनपुट हो जाए और डाटा मेरे को शो नहीं हो। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे यहाँ पर एक लिस्ट आ जाए, कौन सी लिस्ट, आईडी की। आईडी कौन से, ये वाले आईडी जो स्टूडेंट आईडी हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट आ जाए ड्रॉप डाउन। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि उसमें जो है आप लिस्ट कैसे एक सेल पे एक लिस्ट कैसे लगाते हो, और लिस्ट पे सेल लगाने से जो है आप वहाँ पर कोई एक नंबर जो है चूज़ कैसे कर सकते हो। जिसने वीडियो ये नहीं देखी है ज़रूर देख ले। अब यहाँ पर मैं लिस्ट लगाऊंगा, कैसे लगानी है इसका मैं जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसको जाते हैं यहाँ पर, पहले तो इस सेल पर क्लिक कर लेना है जहाँ पर आपको लिस्ट लगानी है या फिल्टर लगाना है, फिल्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सेल को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा डाटा में, ये वाली ऑप्शन है मेनू, कौन सा मेनू है, होम टैब के बाद इंसर्ट, ऐसे करके यहाँ डाटा टैब है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारी डाटा वैलिडेशन, ये है डाटा वैलिडेशन, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, ये डाटा वैलिडेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो एक विंडो खुल जाती है। विंडो खुलने के बाद इसमें आपको बता रहा है डाटा वैलिडेशन में सेटिंग्स, सेटिंग्स तीन ऑप्शन बता रहा है, इनपुट और एरर अलर्ट, ठीक है। या आप इसमें अपना मैसेज कस्टमाइज कर सकते हो, करना है तो यहाँ पर आप मैसेज कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट मैं सेटिंग पे जा करके यहाँ पर है वैलिडेशन क्राइटेरिया, यहाँ पर अलाउ, अलाउ मीन क्या वैल्यू मुझे अलाउ करनी है, जो इसमें बिल्ड है उसमें क्या चूज़ करना है, मुझे लिस्ट चाहिए। मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है बताता है मुझे सोर्स, सोर्स क्या, मतलब कि ये जो लिस्ट है इसमें मैंने डाटा कहाँ से लेकर के आना है। डाटा तो मुझे इस टेबल से ही लाना है, मगर मुझे लिस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक बनानी है, ये लिस्ट मीन मुझे यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के आईडी जो है डिस्प्ले कराने हैं, स्टूडेंट्स के आईडी डिस्प्ले कराने हैं। आप कुछ भी करा सकते हो, अमाउंट भी जो भी है, मगर मेरे को आईडी कराने हैं इसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सेल सारे के सारे ड्रैग कर लूँगा, ऐसे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं, सोर्स पर कर्सर लाना है, उसके बाद मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे सेल सेलेक्ट करने हैं। ये देखो ये एड्रेस जो है सेल एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर ये आपको सेल एड्रेस के बारे में कंफर्म है, पूरे आप उसमें एक्सपर्ट हो, आप खुद भी यहाँ पर मैनुअल जो है इस सेल का डाटा जो है नेम जो है कहाँ से लेकर के कहाँ तक यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने ओके करना है, ओके कर दिया तो जिस सेल पे मैंने ये कर्सर रखा था, देखो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन, ये देखो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन विंडो आ गई है, मीन अब हमारी यहाँ पर लिस्ट लग गई है। अब इसको चेक कैसे करना है, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, इसमें देखो सारे के सारे रोल नंबर आ गए हैं यहाँ पर। कौन से रोल नंबर, ये वाले रोल नंबर, ये जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। अब जो है यहाँ पर इस सेल में मुझे मैनुअल रोल नंबर या मैनुअल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है कौन सा है, हाँ भाई कौन सा है मुझे 7 नोड, इस पर क्लिक करूँगा तो ये 007 वाले का पूरा डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ये हो गया आपका, आपका जब एडमिशन हो जाती है, डाटा कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको लिस्ट प्रिंट करने के लिए, या ये जो है रिसिप्ट है प्रिंट करने के लिए, या अगर आपने मार्कशीट बनाई है उसकी मार्कशीट प्रिंट करने के लिए, कुछ भी किसी भी तरह से, ये थी एक लिस्ट आपको मैंने बता दी। इसका एक लॉजिक मैंने आपको बताया है कि इस पर ऐसा हो सकता है। आप इस लिस्ट को जो है, अगर आप मार्कशीट बना रहे हो या कुछ और डाटा बना रहे हो, उसका एक आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का। जैसे मार्कशीट में बना रहे हो आप, रिजल्ट किसी स्कूल का बना रहे हो, उस पर आप मैनुअल सिंगल सिंगल जो है एक एक बच्चे का आपने जो है उसमें सारा का सारा रिजल्ट जो है एंटर किया हुआ है, तो लास्ट में जो है आपको किसी एक इंडिविजुअल बच्चे की मार्कशीट तैयार करके आपको सबमिट करानी है या किसी पेरेंट्स को देनी है। तो आप ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी यूज़ करके आप उसको डिज़ाइन करके बना करके दे सकते हो। खाली आपको जो है यहाँ स्टूडेंट आईडी डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, यहाँ से चूज़ करके आपको यहाँ खाली वैल्यू पुट करनी है और सारा का सारा वहाँ से डाटा जो है उसके ऊपर यहाँ पर जो है आ जाएगा। यहाँ पर तो हमने कोर्स के बारे में था, यहाँ पर अगर आपने नेम है, पेरेंटेज है, उसके मार्क्स आपने डिस्प्ले कराने हैं, अगर आपको उस पर भी कोई वीडियो अगर चाहिए, आपको मार्कशीट तैयार कैसे करनी है, स्कूल का डाटा एंटर कैसे करना है, तो मुझे कमेंट करके लिखना, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये थी आपकी एक लिस्ट। उसके बाद एक छोटी सी ऑप्शन और, मैं छोटा सा जूम कर लेता हूँ, साथ में इसमें मैं आपको एक और छोटी सी इसके साथ ही कंसर्निंग जो है मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। मान लो कई बार क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट के बच्चे थे मेरे, तो थोड़ा कम डाटा रखा है इस पर, इसमें एक जूम की बड़ी प्रॉब्लम है, कम करो तो कम हो जाता है, ज़्यादा करो तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बच्चे जो हैं, किन बच्चों ने जो है 3000 जो है फीस पे की है, कितने बच्चे हैं, स्ट्रेंथ उसकी देखनी है मुझे कि 3000 पे जो है बच्चे जो मतलब सॉरी फीस जो है कितने बच्चों ने पे की है। मान लो इसमें जो है सारे के सारे जो है 3500 वाले हैं, ठीक है, सारे कोर्स, इसमें से फॉर एग्जांपल कुछ कोर्स जो हैं, हम एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन है, इसकी मैं 3000 फीस कर देता हूँ, यहाँ पर 3000 कर देता हूँ, और कहाँ इलेक्ट्रीशियन का कोई नहीं है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के मैं इसके इसमें कर देता हूँ 4000, एक एप्लीकेशन ये है और एक एप्लीकेशन ये है, 4000 चेंज कर रहा हूँ जब आपको जो है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है 4000 ए कंप्यूटर का एप्लीकेशन वाले, अब ये जो है डाटा बहुत सारा है, मतलब कि 500-600 है, मेरे को फाइंड आउट करना मुश्किल हो गया है कि मेरे को जो है फाइंड आउट करना है कि 4000 पे जो सॉरी 4000 जो है कोर्स की फीस देने वाले कितने बच्चे हैं, 2 हैं 4 हैं 5 हैं, उसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है आपकी काउंटा इफ इक्वल टू काउंटा सी O U N T count if ब्रैकेट क्लोज। मैं जूम कर लेता हूँ और जूम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। काउंट इफ क्या काउंट करना है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक करना है, मेरे को ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ, काउंट इफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और क्या काउंट करना है, कॉमा करके, मान लो मुझे 4000 वाले 4000 1 2 3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 4000 वाले मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है काउंट करके बता दो कितने हैं। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर इसने बता दिए कितने हैं, 3। अगर डाउट है तो देख लो, 4000 वाले 1 है 2 है और 3 है, ठीक है, आ गया ना, मस्त स्टेटमेंट। इसलिए ये स्टेटमेंटें बहुत अच्छी हैं, काम आने वाली स्टेटमेंट हैं। जैसे ये वी लुकअप के साथ ये भी मैच करती है, कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है काउंट इफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हो गए 3, उसके साथ ही मान लो मुझे 5000 वाले चाहिए, सॉरी 3500 रुपये वाले चाहिए, जिसने कितने बच्चे हैं जिन्होंने 3500 पे की है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा या इसी पर ही डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक यहाँ पर 3500 लिखूँगा, मैं यहाँ पर 3500 लिखूँगा, 3500 एंटर करूंगा, ये बता देगा 6 बच्चे 6 और 4 10 बच्चे टोटल हो गए। आपको पता है यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि सीरियल नंबर आपने किए होंगे, आपको पता है कि 10 बच्चे हैं, मेन की 4 बच्चे थे जिन्होंने 4000 पे की है और बाकी 6 जो हैं वो हैं
3500 रुपये वाले। बाकी आप इसको यहाँ पर जो है डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे डेकोरेट सेटिंग है, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4000 इक्वल टू करके बता सकते हो जो है 4000 वाले कितने हैं और 3500 रुपये वाले कितने हैं। अब यहाँ पर 4000 वाले कितने हैं, 6 हैं, सॉरी 6 नहीं होंगे, ये होंगे 3500 वाले। हाँ ठीक है, 3500 वाले इसको हम चेंज कर देते हैं 3500 और इसको 4000 कर देते हैं। अब यही फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं जो है 4000 कर देता हूँ, 4000। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है सेल की रेंज जो है गड़बड़ हो गई है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान है। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो फार्मूला, ठीक है, तो उसका आपने डबल क्लिक करके आपने देख लेना है कि मेरा जो है सेटिंग जो है, जो सेल की रेंज है वो एडजस्ट ठीक हुई है, सेटिंग ठीक हुई है। देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो सेल की रेंज जो है गड़बड़ा गया, ऊपर वाला छूट गया और नीचे वाला यहाँ पे आया। इसका बचने का भी एक तरीका है, कैसे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके ये वैल्यू आ गई ना K9 से लेकर के K18 तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डॉलर लगा देंगे, K9 मतलब K9 डॉलर 9 और दूसरा यहाँ पर K$18 मीन, अब ये फिक्स वैल्यू हो गई है, कंप्यूटर को पता है, एक्सेल को मालूम हो गया कि K$9 से ही शुरू होना है और K$18 ये फिक्स वैल्यू होगी, अब ये चेंज नहीं करेगा। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर देखो डबल क्लिक जब करूँगा तो ये जो है वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मीन सेल की सिलेक्शन वहाँ से लेकर के वहाँ तक ही रखेगा। आपको जो है फिर जैसे जो सिलेक्शन जो है सेल की, जो हम कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे हो जाते थे, अब ये डॉलर लगाने से नहीं होगा। तो ये डॉलर लगा हुआ है, देखो K$9 K$18। अब हमारे को यहाँ पर खाली चेंज करना है, हमारे को यहाँ कौन से वाले देखने हैं, 4000 वाले एंटर करेंगे। देखो ये बता रहा है 6, यहाँ पर बता रहा है 3 और यहाँ पर बता रहा है 6। अब ये क्यों 3 बता रहा है, यहाँ पर होंगे ही 3 तो है नहीं, 1 2 3। ठीक है, अब ये इसने 4, ये 6 बताए हैं, तो कितने हैं इसमें 3500 वाले, देखते हैं 3500 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, एक 3000 वाला भी है। अब यही सेल को मैं यहाँ 3000 वाला भी देख लेता हूँ। ठीक है, अब यही सेल जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सी नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट, देखो अब ये डबल क्लिक करता हूँ, कोई चेंजिंग्स नहीं हुई, कोई सिलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो यहाँ पर जो है मैं 3000 करूँगा, वहाँ पर 3000 करूँगा, तो कितने हो गए यहाँ पर 6 3 और 10। ठीक है, अब ये जो है हमारे को पता है कि हमारे पास 10 कैंडिडेट्स थे, उनकी जो है जिसमें से 3500 वाले बच्चे जो हैं, 3500 कितने बच्चों ने फीस की पे की, 6 स्टूडेंट्स ने, और 4000 कितने बच्चों ने पे किया, 3 बच्चों ने, और 3000 कितने बच्चों ने किया, 1। तो यहाँ पर अब आप टोटल भी निकाल सकते हो, यहाँ पर अब आप टोटल भी कर सकते हो। कैसे टोटल करना है, ये अमाउंट जो है यहाँ पर टोटल आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, हमारे को जो है यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 3500 मल्टीप्लाई विद दिस एंड इतने पैसे हो गए, और 4000 वाले इतने हो गए, और 3000 वाले इतने हो गए। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जो है टोटल, यहाँ पर इक्वल टू सम स्टेटमेंट, SUM, सम किसको करना है, सम ब्रैकेट लेकर के यहाँ पर, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा इक्वल टू दिस, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ आ गया 10, टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो मतलब कि आपके जो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल, यह टोटल स्टूडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 10, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आते जाएंगे। मान लो अगर यहाँ पर कोई एक बच्चा है, किसी ने कैड की फीस जो है हमारी 3000 है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 3000 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कैड की 3000, या देखो 3000 जो है पहले एक कैंडिडेट था, अब यहाँ पर कितने हो गए 2, तो यहाँ से बच्चे ने जो है 3500 से वहाँ से उसने चेंज किया, वहाँ से शिफ्ट किया, और दूसरी यहाँ पर स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। ठीक है, ये वैल्यू अब यहाँ पर जो है 10 आ गया। अब आपको यहाँ पर इधर अमाउंट भी निकाल सकते हो, मीन की इसकी अमाउंट यहाँ पर टोटल कितनी हुई, इसकी टोटल कितनी हुई, इसकी टोटल यहाँ पर कितनी हुई, अगर करना है तो ये भी मैं बता देता हूँ। इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसको इसके साथ, मीन ये सेल कौन सा है, अब देखना है, अब सेल तो आपको देखना है, सेल एड्रेस कर दें, ये कौन सा सेल है, J J22
J22 मल्टीप्लाई बाई क्या है आगे K22। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, देखते हैं कितना आया, 17,500। अगर हम 3500 को 500 मल्टीप्लाई करें तो इतनी अमाउंट बनती है 500, 5600, 5525, 25, 5 और 2, 5315 और 2, 17, यहाँ पर आ गया 17,500। अब यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगाया था, क्या फार्मूला, डबल क्लिक करके, मीन J22 मीन कि इस वैल्यू को K22 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ, अब यही फार्मूला मुझे यहाँ पर भी लगाना है, मैं सिंपल कॉपी करूँगा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूंगा, कितना आएगा 12,000, 4, 3, 4, 3, 12,000। अब मैं यही फार्मूला मुझे कॉपी करना है, यहाँ पर निकालना है, कितना आ जाएगा 3, 2, 6, 6,000। अब ये मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पर ये आ गया, टोटल स्टूडेंट्स ये आ गया, और टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पर चेक करनी है, ये आ गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इक्वल टू दिस, तो कितनी आ जाएगी टोटल अमाउंट, इन सब का प्लस, इन सब का प्लस मीन इक्वल टू सम करेंगे, ये वाला फार्मूला था ना, यहाँ पर सम इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 35,500 रुपया टोटल अमाउंट जो है ऑफिस में सबमिट हुई है, ठीक है। अगर डाउट है आप यहाँ पर ये इस फिगर पे भी आप सम की वैल्यू लगा सकते हो, सम की वैल्यू करके अगर डाउट है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 35,500 ये देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हमारे पास एक छोटी सी एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया, इससे हमारे को पता चल जाएगा कि 3500 वाले स्टूडेंट्स कितने थे, 5, उनकी अमाउंट बन गई यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर, इस पर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, हेडिंग इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं, मेन 3500 वाले कितने आ गए, 5, और ये आ गया 4000, ये इतने, और ये आ गया टोटल, ये आ गया हमारा टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 10 हैं, और टोटल अमाउंट कितनी हमारी यहाँ पर। अगर आपको ये यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पर इसको F2 करके यहाँ पर ग्रैंड टोटल कर देते हैं, जी टोटल, ठीक है, जी टोटल, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, इस फार्मूले को यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पर मैं फार्मूला सम लगा दूंगा, इक्वल टू सम किसको, दिस एंड दिस, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम इसको बॉर्डर शॉर्डर लगा देते हैं, जूम कर लो, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक, तो ये आपको ये इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर इनको भी आपने पूरा बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर पूरा हम यहाँ से इसको लगा सकते हैं ऑल बॉर्डर करके, ठीक है। ये आपके पास कितने बच्चों की एडमिशन हुई है, कौन कौन से कोर्सेज में, ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ पर जो है 3500 रुपये वाले, यहाँ तो आपको रिसिप्ट बन गई, रिसिप्ट हमने प्रिंट करके पिछले वीडियो में आपको प्रिंट करके मैंने बता दिया है, और ये मतलब पूरा इसका डाटा का जो है एक जो है निचोड़ है कि 3500 के बच्चे कितने हैं, 4000 वाले कितने हैं और 3000 वाले कितने हैं, और हमारे पास ग्रैंड टोटल मतलब बच्चे कितने हुए, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई और टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी आई। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती अगर आपको ये एक्सेल के फार्मूले आते हैं, ठीक है। कोशिश आज जो है इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, क्लास में आकर के कल परसों जब भी टाइम लगे तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जल्द ही मैं इसी टॉपिक की कोई और वीडियो लेकर के जल्द ही मैं वापस आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको पता है इस वीडियो को मैं जो है फेसबुक में भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ और यूट्यूब में तो डालता ही डालता हूँ, तो देखो
यूट्यूब में नहीं मिलती है तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर नहीं मिलती है तो फेसबुक में देखो। ठीक है, तो तब तक के लिए इंतज़ार। ओके बाय।